ऊपर से नीचे ले दिखाई है, ये क्या होता है? अंदर का चीज जो है वो किसी को दिखाने लायक है? ऑलरेडी हो के ब्लड कैंसर आवा, कुछ लोग के वजह से शायद भाई जी के ब्रेन हेमरेज भी हो जाए। तो वीडियो कॉल करके दिखाइए, कभी भी कॉल कर दे रहे, कोई टाइमिंग ही नहीं है। देख सकते हैं कि बाबा आज भी यहाँ पे पूरा बाल्टी भर गया है, चार दिन के अंदर भी बाल्टी नहीं था यहाँ पे। देख लीजिए डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे कि बाल्टी सब कुछ छोड़ के रामपाल जी के शहर में आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मतलब साइंस के टाइम में ये सब चीजें मतलब कुछ समझ नहीं आता कि लोग क्या। न चलता हुआ लाठी भैया, न चलता हुआ तलवार, चलता हुआ खाली बोली के बाद। हम है समीर चौधरी बिहारी भैया, मस्करा रिपोर्टर, और पहुंच गए भैया उसी जगह पे जहां चार दिन पहले समीर चौधरी ने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आज 1 मिलियन लोग देख लिया है। वीडियो कहा था भैया, तो वो बहन थी जिसको ब्लड कैंसर है, यही वो पति है जो भैया 7 फेरों का वचन पूरा कर रहे हैं। ये वही सास है जो कभी बहू होती थी, आज की डेट में माँ बन गई है भैया, माँ की तरह सेवा कर रही है। और हाँ, आज समीर चौधरी इसलिए आया है कि तमाम जनता को यह पता चल जाना चाहिए था कि आखिर में अगर 1 मिलियन गया है तो भाई साहब को कितना रुपया अकाउंट में आया है, कितना मदद हुआ है। देखिए दवाई आज भी देख सकते हैं कि दवाई आज भी यहाँ पे पूरा बाल्टी भर गया है, चार दिन के अंदर भी बाल्टी नहीं था यहाँ पे। देख लीजिए डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे कि बाल्टी में ये नया दवाई आ जाया। हम पूछना चाहेंगे भाई साहब से, भाई साहब सबसे पहले हम क्या बोले भैया? भाई साहब का चेहरा देखिए इतने भावुक हो गए हैं, बोलने वाली बात नहीं है भैया। कष्ट जिसके यहाँ आता है उसी को समझ में आता है कि कष्ट किसको कहते हैं। के रुपया अभी तक अकाउंट में आया आपके? 50,557 रुपया अभी तक। 50,557 रुपया आया। क्या लग रहा है कि आपको जनता मदद कर रही है? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत जो नर्स हाँ तो है, जो पहले साफ कोई ऑप्शन ही नहीं था, कहीं से भी कोई 1 रुपया का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, उतना आया, बहुत आया, बड़ी चीज है। तो देखिए भैया यही बिहार के जनता है। चाची क्या लग रहा है आपको? इससे तो उम्मीद है जो हाँ अब जनता लोग मेरे बहू को बचा लेंगे। बस बस बचाएंगे आपके, यही सब जो पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, बहुत जगह से, आपके पास आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत जगह से कॉल्स आए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, कहाँ कहाँ के लोग के भी कॉल्स आए, बहुत लोग आए। फिर इंडिया के अलग अलग कोने से भी लोग के कॉल्स आए थे, सपोर्ट भी मिले है। अच्छा ये बताइए कि कितना लोग आपको परेशान करने के लिए फोन कर रहा है, क्या हो रहा है बताइए? बहुत ऐसे लोग भी जो कि कॉल्स करते हैं, कॉल करके भैया ये 10 तक के क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कर देते हैं। बहुत तो ऐसे लोग भी है जो कि मतलब पेमेंट भी नहीं करते और कॉल करके बहुत तरह के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए भैया भाई साहब को घर में भैया ऑलरेडी हो के ब्लड कैंसर आवा, कुछ लोग के वजह से शायद भाई जी के ब्रेन हेमरेज भी हो जाता, ये लगे कि बिना मतलब के फोन कर रहा है। बाकी जितने कमेंट में आप लोग देख रहे होंगे, जो बहन लोग है, जो भाई लोग, जो जिसको पता है कि आखिर में प्रेम की जो होती है डोर, यहाँ पे ये दिख रहा है। बाकी लोग कुछ है जो परेशान कर रहे हैं फोन करके, भैया आप लोग से हाथ जोड़ के अपील है ऐसे मत कीजिए। आप परेशान करने से क्या होगा, अगर आपको करना ही है तो जहर ला के दे दीजिए भैया, चारों पांचों को खिला दीजिए, मर जाएगा भैया। फोन करके परेशान करी था तो नहीं सबन, मैंने 1 रुपया भेजना नहीं है, वीडियो कॉल में देखना है, चेहरा देखना है, मरीज का चेहरा देख रहे हैं, उसके बाद आप देखने के बाद भी आप नहीं मदद कर रहे हैं। ये भाई जो देख रहे हैं आंख लाल पियर जो कहले है, काहे ला कहले है, मैंने कोई शौक है, देख रहे हैं हमारा का नाम है कि समीर चौधरी ने जब भी जिसके दुहार पे गया है भैया, अगर ओकरा कुछ नहीं कर पाया है ना, मर्द है हम नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम खुशी हुआ हमको कि आए हैं तो एक दिन में भाई साहब को 50,000 पूरे जनता ने मदद किया। ठीक ठाक है भैया? हाँ, अच्छा कौन आदमी आया था जो धर्म परिवर्तन करा के थे भाई, बताओ? हाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि रामपाल जी महाराज की मतलब वो बोल रहे कि आप सब कुछ छोड़ के रामपाल जी के शहर में आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मतलब साइंस के टाइम में ये सब चीजें मतलब कुछ समझ नहीं आता कि लोग क्या मतलब, वो बोलते हैं रामपाल जी महाराज के शरण में आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने सब भगवान के भूल जाइए। हाँ केवल हम देखे कि सब भगवान एक ही है, हिंदू मुस्लिम से मतलब ठीक है, आप बोल रहे तो भगवान नहीं भाई साहब, समीर चौधरी भी यही जाता है कि हमारे धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम नहीं भाई, सब ही हमारे धर्म हो, सब सब भगवान को मानते हैं हम लोग, लेकिन वो बोले नहीं आपको सब भगवान नहीं, केवल एक रामपाल जी महाराज को मानना पड़ेगा, बाकी सब धर्म को छोड़ देना। हम भी उनसे बोले जे ठीक है हम मीट मछली नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं, तो हम ही उनका भक्त बन जाते हैं, तो हमें भी बोले जे नहीं, जो महिला लोग जो व्रत करती है
वो सारा व्रत आपको छोड़ना होगा। तब हम असमंजस में पड़ गए, जब हम जो पहले से जो रीति रिवाज पूर्वज से आते आ रहा है वो कैसे हम छोड़ दे। आप बताइए तो छठ करते हैं या कोई पर्व करते हैं तो काहे आपके घर में ऐसा आपत्ति आया? वो ऐसे ऐसे बोले, हाँ ऐसा क्वेश्चन किए। मैंने आपत्ति कोई से पूछ के आता है? देखिए भैया, एक तो घर में भैया समस्या ही समस्या हवा, आदमी भैया खूब परेशान हवा, तपरो यहाँ पे कुछ लोग आके इनका धर्म के परिवर्तन करावे के सोच लवा, कल कहवा कि धर्म छोड़ दीजिए, आपको दूसरा धर्म में ले जाते हैं। अगर आप पुराने धर्म में है तो आप छठ पूजा करते हैं, आप ये करते हैं, आप दुर्गा पूजा करते हैं, दूसरा धर्म में भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन बरसाते हम जो पहले से करते आ रहे हैं उसको हम कैसे छोड़ दे? हम सब भगवान को भगवान मानेंगे तो नहीं, एक ही भगवान का कोई भी। अच्छा, क्या लगता है, मैंने ये आदमी सच बोलता होगा? नहीं, हमको ये विश्वास नहीं हो रहा। जो व्यक्ति कह देवे कि खाली मैया के पूजा कर, बाबू के ना कर, अरे भैया मेरे ये का गणेश जी पूरा लोक नहीं घूम के माता पिता का दर्शन किए थे तो पूरा लोक घूम लिए थे, पता है ना? तो ऐसा कोई भी भगवान नहीं बने जो सिर्फ माता और पिता के लिए। देखिये हम अभी बहन से भी बात करेंगे, बहन आपको तो वीडियो कॉल पे बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, बहुत लोग कॉल करके देख रहे हैं। मदद मिल रहा है आपको? मदद तो मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कॉल करने वाले तो कुछ हेल्प कर नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं। देखना है जो सच है झूठ है, ये कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा, झूठ बोल के क्या फायदा मिलेगा इस बीमारी के बारे में? उन लोगों को लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, वीडियो कॉल करके दिखाइए। कभी भी कॉल कर दे रहे, कोई टाइमिंग ही नहीं है, कभी भी कॉल कर दे रहे। क्या अपील करना चाहते हैं आप जनता से, क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। यकीन है तो करें, नहीं तो ये वीडियो कॉल कर करके परेशान करने से क्या फायदा? हाँ, हम देखना चाहते हैं झूठ है सच है, झूठ झूठ क्यों बनाएगा आदमी सब चीज को? सोच लीजिए भैया, जिसको लग रहा हो कि झूठ बोल रहे हैं, ब्लड कैंसर है, अगर तुम्हारे ऊपर ये चीज आ जाएगा फिर समीर चौधरी के पास आना पड़ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, बहन का कहना यही है कि अगर आपको भरोसा है तो आप डोनेट कीजिए, और नहीं है तो परेशान मत कीजिए, क्योंकि कभी भी आप फोन कर दे रहे हैं, मरीज बोल रहा है भैया, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप लोग के, मजबूर मत कीजिए इंसान को। अगर आपको मारने का शौक है तो दम ओपन कैमरा पे समीर चौधरी बोल रहा है, आप जहर ला के दे दीजिए सबके, हमरो खिला दीजिए भैया, नहीं हमको ऐसा समाज में रहना है जेकरा भरोसा नाम के चीजें नहीं है। क्या बोली थला? कल कुछ ऐसे कॉल आए थे, एक बार हम वीडियो कॉल दिखा दिए, वो बोले भैया ऊपर से नीचे तक आराम आराम से दिखाइए। उस मतलब वैसे वैसे कॉल को क्या समझ सकते है, दिखा रहे हैं, बोला भैया आराम से दिखाइए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर दिखाइए। अब ऐसे ऐसे कॉल को क्या समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दो तीन कॉल आए थे। मन तो कर रहा है ना कि लठिया हूं दे साला का मुंह में जाके, ऐसे ऐसे भी कुछ कॉल आए थे। अरे पेशेंट देखना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, सारे डॉक्यूमेंट देख लेते, डॉक्यूमेंट दूर छोड़े होता है, रिपोर्ट होता है, बहुत कुछ जाँचने का तरीका होता है। बड़ी बात है की यहाँ जो देख रहे हैं ताश के पत्तों के तरह जो छीटा हुआ है, ये सुइया जो देख रहे हैं, ये जो दवाई देख रहे हैं, जो डब्बा का डब्बा जो सीरीज देख रहे हैं, इतने से खाली समझ जाइए भैया कि झूठ नहीं बोल रहा आदमी। और जो दिमाग लगा के जो तुम ऊपर से नीचे तक जो कर रहे हो ना, खाली नंबर वो मेरे पास आ जाना चाहिए, तमाम आपको बता दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऐसे करता हो आप उसका नंबर तुरंत समीर चौधरी के पास भेजिए। दम तो और घरे घुसे के औकात रखाइए, हम घरवा में ढूक के ढूक जेबो, समझे थे ना कहा? तो हमारा कहना में मदद नहीं कर रहा था, काहे परेशान कर रहे हो चाची? मतलब ऐसे लोगों को आप लोग को मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या कहें उनसे, हम तो यही कहेंगे कि हाँ जब हेल्प कर रहे हैं तो विश्वास पर करें, और न विश्वास है तो ठीक है वाला कोई बात नहीं, हेल्प भी कहाँ को कर, जो तंग कर रहे हैं वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। देखिए भैया तंग मत कीजिए, तंग मत कीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि समीर चौधरी भैया आप लोग को हम कुछ नहीं बलगाना चाह रहे, आप मरीज से बात किए, आप भाई से बात किए। देखिए कि आजकल के डेट में प्यार क्या है, प्यार यही है कि अपने पति को मार देना, दूसरा के साथ भाग जाना, अपनी पत्नी को छोड़ देना, किसी और के साथ भाग जाना, अभी का प्यार यही चल रहा है। लेकिन हमको इस प्यार को देखते हुए लगा कि पांचों उंगली बराबर नहीं है, ये भाई साहब जो है ये उंगली है जिसको बोलते हैं कि हाँ भैया सच्चा प्यार रहे हैं, सात वचन को निभाने के लिए भाई साहब अब झेल रहे हैं। और कमेंट के माध्यम से समीर चौधरी के पास ये खबर आया चाची कि अगर बहन ठीक हो जाएगी तो समीर भैया इनकी दोबारा शादी करवा दीजिएगा, समीर चौधरी दम शादी करवाएगा। अदम आप लोग को दम बता दे रहे हैं कि जिस दिन शादी होगा उस दिन भी लाइव में समीर चौधरी आके आप लोगों को ये दिखाएगा कि वही घर है वही जगह है जहां पे भैया इस तरह का समस्या था। मतलब आप लोग को परेशान किया जा रहा है, बहन वहन सबसे सबसे तो कोई बातचीत नहीं ना कर रहा है? हमारे और मम्मी से या
फिर पेशेंट से सबसे ज्यादा लोग कहते हैं पेशेंट का पूरा शरीर दिखाइए, ये कीजिए, बहुत ऐसे कॉल्स आए, बहुत लोगों को तो हमने पूरा दिखा दिया, दिखाने का तो भैया आप झूठ तो नहीं बोल रहे हम कि भैया अब देखिए हम इतना परेशानी से जूझ रहे हैं, वीडियो कॉल पे दिखा भी दिए, उसके बाद अब अगला बोल रहा है कि भैया आप झूठ तो नहीं ना बोल रहे, सच में है ना, अब इसको कैसे मतलब उनको मतलब कैसे विश्वास दिलाए, अब हम उनको वीडियो कॉल भी दिखा दिए, अगला देख भी लिए पूरा सिचुएशन देख लिए, उसके बाद बोला भैया सच में है ना झूठ तो नहीं ना होगा। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं तमाम जनता के, तमाम दीदी के, तमाम चाची के, तमाम बुजुर्ग जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समीर चौधरी अगर हाथ जोड़ रहा है थोड़ा सा रहम कीजिए, आप रहम कीजिए, क्योंकि हम वो सोशल मीडिया है जो भैया व्यूज और न्यूज के लिए काम नहीं करते हैं। सोशल मीडिया की ताकत यह है कि अगर मान लीजिए इसके घर में तकलीफ है, अगर इस घर की तकलीफ को दूर कर दिए, असली सोशल मीडिया का वो ताकत है, तो वही करना चाहिए तमाम लोगों को। समीर चौधरी पटना से चल के कितना किलोमीटर दूर आया है? यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर आई थी, 70 किलोमीटर जाई थी, बाकी हिसाब तू लगा लिया। और जो वीडियो कॉल करके जो मानसिकता हीन वाला काम जो कर रहे हैं भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, समझ जाइए हाथ जोड़ रहे हैं तो क्या बात है, रगनी खुल जाएगा तो बतियाएगा, ये हम नहीं बतियावेंगे। चाची जाते जाते आप जनता को क्या कहना चाहिएगा? हम जनता से यही कहना चाहेंगे जब विश्वास हो तो हेल्प करे, लेकिन अगर न विश्वास हो तो मुझे इतना तंग न करे। अब भाई साहब बस लोगों से यही अपील है जिनसे जो बन पड़े थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया है जो कि इसमें कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है, मतलब अगर लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करें तो हम भी मुश्किल से सही सलामत निकल सकते हैं। बस वही है, उन लोगों को यही कहना है कि फालतू के तंग लगे, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो कॉल्स भी आते हैं जो कि केवल तंग करते हैं। चिंता मत कीजिए भैया, चिंता मत कीजिए, आप भावुक होते जा रहे हैं। हम देखिए, हम यही कहें कि देखिए भैया, भैया समस्या में है, आप लोग समस्या को समाधान करने का काम कीजिए। भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई साहब, अरे मर्द है, मर्द रोता है तो समझ रहे हैं, बिजली कड़कता है, मर्द को रोवा रहे हैं आप लोग, मजबूर कर दिए हैं, मजबूर कर दिए, 1 रुपया भेजते हैं और तीर के तार बना दे रहे हैं। मतलब सबसे शर्मनाक बात यह है कि मरीज को कहा जा रहा है कि वीडियो स्लोली स्लोली दिखाइए। देखिए जाते जाते हम क्या कहना चाहिएगा बहन, तमाम जनता को हम यही कहना चाहेंगे, यकीन है तो डोनेशन करिए, नहीं तो ये फालतू का परेशान करने का कोई जरूरी नहीं है, ऊपर से नीचे ले दिखाइए, ये क्या होता है, अंदर का चीज जो है वो किसी को दिखाने लायक है? जैसे पैर में सर्जरी है ऊपर, वो किसी को कैसे दिखाएगा? नहीं, नहीं, कमर में बोन मैरो, वो कैसे, ये तो मजाक उड़ाना हुआ मरीज का, इस तरीके से तो यही है जो ये ब्लड कैंसर नौटंकी बना रखा है। तो देखिए भैया, हम जाते जाते समीर चौधरी फिर से अपील करते जा रहे हैं कि बहन ने जिस प्रकार बोला है कि ब्लड कैंसर ब्लड के अंदर में होता है, और अभी जो सर्जरी हुआ है वो शरीर के अंदर में हुआ, आप दवाई के माध्यम से देखिए, अब जिसको ये लगता है कि हमको पूरा आदमी कपड़ा खोल के दिखाएगा, मानसिकताहीन लोग समझ जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारे साथ ऊपर वाला क्या करेगा। तो लीजिए भैया करते हैं इस शो को हम इसी के साथ यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले जगह नए लोगों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।